अगर लोग सोचेंगे कि अगर घर में भूखे बैठ के मरना है तो इसे बाहर निकल के कोरोना से लड़ के मरेंगे। अभी तक जो पहले कोरोना काल का पहली वो थी, उसके लहर थी, उस पर अभी तक लोग संभल नहीं पाए। उसके बाद अभी ये दूसरी लहर में सडनली अगर लोगों को बोलेंगे घर बैठ जाओ, अब का माहौल बिल्कुल अलग है। जो पैसे वाले हैं वो भी पूरी तरह खाली हो चुके हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही बैंक पूरी तरह खाली है। वो खुद ही सबसे डोनेशन मांगते रहते हैं। अगर ये बड़े बड़े पैसे वाले, चाहे टाटा बिरला होने दो, अंबानी होने दो या जो भी होने दो, अगर ये लोग पब्लिक की मदद करना चाहते तो ज्यादा कुछ ना करते, ये पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट थे। ये पब्लिक का सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का 3 से 6 महीने का बिल अगर माफ कर देते तो पब्लिक की कमर सीधी हो जाती। अगर ये स्कूल का 1-1 साल का फीस माफ कर देती मुंबई महानगर पालिका, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ हमारे महानगर पालिका महापौर और कमिश्नर आयुक्त से कि 1-1 साल का सिर्फ फीस हम लोग क्या माफ नहीं कर सकते थे? अगर एक आदेश आ जाता तो लोगों की ऑटोमेटिकली इंटरनल मदद हो जाती। तो कोई ऐसा नियम, इतने बड़े बड़े मंत्री संतरी इनके पास, इतने सारे इनके पास हैंड्स है काम करने के लिए, तो एक कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालिए जिससे लोगों का भी भला हो और कोरोना से भी लड़ा जाए। बड़े बड़े परेशान है तो ये गरीबों की हालत क्या होगी? तो लॉकडाउन के मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर लॉकडाउन करना है तो पहले लोगों के घर में अनाज भरिए। खासकर मैं जो एक 100% स्लम को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं यहाँ पर लोगों की जो यहाँ पे लोग जो रहवासी है यहाँ के, रोज खाना और रोज कमाना, ऐसे लोग यहाँ पर जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन बिल्कुल काम नहीं कर सकेगा। मेरी प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोरोना है ये हम भी मानते हैं, लेकिन इस तरीके के जो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं उसको लागू नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर लोग सोचेंगे कि अगर घर में भूखे बैठ के मरना है तो इसे बाहर निकल के कोरोना से लड़ के मरेंगे, तो ऐसे नियम ना लागू करें। पहले हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने एक नियम लाया कि रूल्स लाए कि भाई सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा, रात के 8 बजे के बाद रहेगा, उसको पब्लिक अच्छे तरीके से मान रही थी और उसको फॉलो भी कर रही थी। तो आप अगर धीरे धीरे इस चीज़ को लेके चलेंगे तो ही लोग इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे आपके साथ, वरना पब्लिक रोड पे पूरी तरह आ जाएगी। क्योंकि अभी तक जो पहले कोरोना काल का पहली वो थी, उसके लहर थी, उस पर अभी तक लोग संभल नहीं पाए। उसके बाद अभी ये दूसरी लहर में सडनली अगर लोगों को बोलेंगे घर बैठ जाओ, और पहले जब कोरोना था तो लोग जो पैसे वाले तबके थे उनके पास पैसे थे कारोबार से, और वो लोगों ने हाथ भर भर के लोगों की NGO ने मदद की। लेकिन अब का माहौल बिल्कुल अलग है। जो पैसे वाले हैं वो भी पूरी तरह खाली हो चुके हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही बैंक पूरी तरह खाली है। वो खुद ही सबसे डोनेशन मांगते रहते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सोनू सूद जी की तारीफ करूंगी, उन्होंने अपना पैसा जो है डायरेक्ट पब्लिक तक पहुँचाया। अगर ये बड़े बड़े पैसे वाले, चाहे टाटा बिरला होने दो, अंबानी होने दो या जो भी होने दो, अगर ये लोग पब्लिक की मदद करना चाहते तो ज्यादा कुछ ना करते, ये पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट थे। ये पब्लिक का सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का 3 से 6 महीने का बिल अगर माफ कर देते तो पब्लिक की कमर सीधी हो जाती। अगर ये स्कूल का 1-1 साल का फीस माफ कर देती मुंबई महानगर पालिका, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ हमारे महानगर पालिका महापौर और कमिश्नर आयुक्त से कि 1-1 साल का सिर्फ फीस हम लोग क्या माफ नहीं कर सकते थे? अगर एक आदेश आ जाता तो लोगों की ऑटोमेटिकली इंटरनल मदद हो जाती, तो लोग खाना अपनी जेब से कर लेते। अब बिल भी उसी तरह भरना है, और लाइट बिल भी उसी तरह भरना है, फीस भी उसी तरह भरना है, तो लोग हर चीज को कैसे मैनेज करेंगे जबकि कारोबार बंद है।
जब बड़े बड़े परेशान है तो ये गरीबों की हालत क्या होगी। तो लॉकडाउन के मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर लॉकडाउन करना है तो पहले लोगों के घर में अनाज भरिए, क्योंकि आज नगर सेवक जो है सबसे ज्यादा पब्लिक को फेस करता है। अगर एक अनाज की बोरी उनको देते हैं तो भी उसका श्रेय हमको मिलता है, नहीं मिलता है उसका भी। आज एक एक वार्ड में 50-50 हजार अगर वोटर है तो बिना वोट के 2 लाख लोग है। इस तरीके से 2.5-2.5 लाख लोग एक एक वार्ड है, वार्ड में है, और वो भी स्लम में। तो 2.5 लाख लोगों को क्या एक नगर सेवक राशन सब जगह पहुंचा सकता है? कभी नहीं पहुंचा सकता। और एक राशन कितने दिन तक वो लोग का चलेगा? तो कोई ऐसा नियम, इतने बड़े बड़े मंत्री संतरी इनके पास, इतने सारे इनके पास हैंड्स है काम करने के लिए, तो एक कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालिए जिससे लोगों का भी भला हो और कोरोना से भी लड़ा जाए। ऐसी कोई सिचुएशन निकालनी पड़ेगी। अभी लोग परेशान है, 14 तारीख के बाद पता नहीं क्या होगा, माल खरीदे नहीं खरीदे रमजान का, और बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए का सामान खरीद भी लिया है ऐसी परिस्थिति में। और अगर इस तरीके का लॉकडाउन लगेगा तो मैं समझती हूँ कि पब्लिक और जनता पूरी तरह रोड पे आ जाएगी और प्रशासन पूरी तरह ठप हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम न करे माननीय मुख्यमंत्री जी के लोग रोड पे उतरे, और इससे ज्यादा खराब बात कोई नहीं हो सकती। आप हमारा भले भले का सोच रहे हो, लेकिन अगर मरना ही है तो लोग ये सोचेंगे, खा पी के मरेंगे। हम लोग कोरोना से लड़ के मरेंगे, घर में बैठे बैठे नहीं मरेंगे।